हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वही एलईडी क्लब जिसका टास्क खेला जाना था। यहाँ पे आपको जैसे पता ही है शहनाज और आसिम थे कंपटीटर, जो कि वो अपने कमेटी टास्क में से जीते थे। यहाँ पे हाइना खान ने टास्क स्टार्ट किया, तो सबसे पहले उसने बोला भी तुम दोनों को ये बताना है कि एक दोनों से तुम कैसे बढ़िया और कौन तुम में से बेहतर है। यहाँ पे आसिम ने बोला कि शहनाज फ्लिप करती रहती है, ये है वो है। हिना खान ने कहा भी ये इसका जवाब देगी आरती, क्योंकि आरती शहनाज की तरफ से जवाब दे रही थी और यहाँ से रश्मि दे रही थी आसिम की तरफ से। तो आरती ने बहुत अच्छा बोला, हाँ ये फ्लिप करती है बढ़िया, सबका साइड भी लेती है, ये वीक स्टूडेंट जितने प्लेयर्स होते हैं उनकी साइड लेती है, बहुत अच्छा करती है, सबसे बना के रखती है, घर में सारे काम अच्छे ढंग से करती है। तो इस तरह हर एक बारी 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 पारस ने भी शहनाज का साथ दिया, सिद्धार्थ ने दिया, यहाँ से विशाल ने आसिम का साथ दिया। तो सारे घर वाले एक एक तरह करके कमेंट्स बता रहे थे और बता रहे थे कौन कैसे क्यों बेटर है। एंड में डिसाइड यही हुआ कि हिना खान ने फाइनल डिसाइड करना था, तो हिना खान ने फाइनल डिसाइड किया कि इस टास्क को आसिम जीत गया। तो आसिम पहला सदस्य बन गया एलईडी क्लब के अंदर पहुंचने वाला। फिर हिना खान ने वही आसिम को लेके गई एलईडी क्लब को, दिखाया अंदर से कैसा ये हुआ है, उसको एक जैकेट भी दी। फिर बिग बॉस ने इसे बताया था, बिग बॉस बिग बॉस ने अनाउंसमेंट करी कि जैसे आपको पहले बता दिया गया था कि भाई तुम एक हफ्ते के लिए नॉमिनेशन से अपने आप को सेव कर सकते हो और वो मर्जी तुम्हारी है तुम कब सेव करना चाहते हो। तो बिग बॉस ने आसिम से पूछा कि आसिम जैसे इस वीक के अंदर सारे सारे नॉमिनेशन के अंदर है, क्या तुम अपने आप को सेव करना चाहते हो? तो आसिम ने कहा नहीं बिग बॉस अभी मैं नहीं करना चाहता, जब मुझे करना होगा मैं आपको बता दूंगा। अब टास्क हुआ था, कुछ तो रिएक्शन होना ही था। उसके बाद यहाँ पे आरती काफी भड़की, आरती समझा रही थी शहनाज को भाई तू एकदम स्टूपिड है, जहाँ तेरे तूने सबका साथ दिया, उस टाइम सारे बोल रहे थे, विशाल भी बोल रहा था, सब ये पुत्र को बोल रहे थे कि तूने बहुत अच्छा फ्लिप करा, ये करा, आज तेरे को फ्लिप फ्लिप के ऊपर ही तेरे को टारगेट कर दिया इन लोगों ने, तो तुझे समझ नहीं आती कौन तेरे साथ खड़ा हुआ और कौन तेरा स्टैंड नहीं लेता, तू उसी को टारगेट कर लेती है जो तेरा साइड से स्टैंड ले रहा होता है। जैसे आरती ने अपनी ही रेफरेंस दे रही थी कि तुम्हें हमेशा मेरे को टारगेट कर देती है, आरती यहाँ पे अपना शहनाज से झगड़ती हुई मिली। आप अब यही बात जो आरती कर रही थी करते करते बढ़ गई, इसमें विशाल भी आ गया। विशाल कहता मुझे भी जैसे इसको शहनाज को दिक्कत है कि भाई उसको कोई बोलता है भी तू अपना जेलस करती है तो मुझे इससे दिक्कत है कि तुम मुझे बोलते हो मैं वीक प्लेयर हूँ, ये है वो हूँ। तो यहाँ पे रश्मि भी कूद पड़ी, भाई ये मतलब नहीं है तुम किसी को वीक बोलते हो, ये है वो है। सलमान भाई अगर ये नहीं बोलते हैं, यहाँ पे जो रश्मि थोड़ी सी गलती हो गई, उसने साफ ये बोल दिया भाई सलमान भाई अगर ये बोलते हैं कि बॉटम टू में तो इस मतलब वीक नहीं है, और वो ये जरूरी नहीं है कि वो बॉटम टू बोलते हैं तो वो पूरा सच ही होता है। तो यहाँ पे इस बात को शहनाज ने पकड़ लिया, शहनाज बोलती है मतलब तू क्या कहना चाहती है सलमान भाई झूठ बोलते हैं, या सलमान भाई ने कहा बॉटम में है तो बॉटम में झूठ बोलते हैं क्या? तो बस यहाँ पे रश्मि को पकड़ लिया गया। रश्मि कहती मेरा मतलब ये नहीं था वो नहीं था, तो ये घर में सारे के सारे कूद पड़े कि जो शहनाज और आसिम के बीच में ये टास्क था। और यहाँ पे जो अपना शहनाज थी वो शेफाली से बातें कर रही थी, भाई मैं नहीं करती जेलस, भाई पारस ने स्टार्टिंग में मुझे बोला कि भाई तू ही है जो पहले पारस जैसे मेरे पास आ गया था, फिर जब अपना मायरा की थी तो उसने पारस ने मुझे बोला था भाई तू मायरा को अपना एकदम जेलस नहीं करती है और उसको तू टक्कर देने वाली बनी है, उसको बहुत घमंड है अपनी अपनी स्थिति में पर तूने उसे पूरा टक्कर दी है और इसने ही हम दोनों के बीच में जेलस की गेम शुरू करवाई, फिर इसने मुझे छोड़ के अपना मायरा के पास चले गया, तो हम दोनों के बीच में जो जेलस की गेम थी इसने शुरू करवाई थी, तभी मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई थी। सारी बातें और शहनाज सिद्ध की बातें ये सुना सकते हैं वो ना करें ना कुछ ना कुछ, सिद्धार्थ सिद्ध वही मेरे को तरह से वो अपना बात पीछे हट जा रहा था, शहनाज बोलती है मुझे तरह से प्यार हो गया है, वो कह रहे अच्छा कैसा ये प्यार हो गया है, बॉयफ्रेंड वाला प्यार हो गया है, तो वही इनकी चुलबुली बातें। वहाँ पे शहनाज मेकअप करे बैठी थी, सिद्ध मुझे यहाँ पे किस कर, मुझे यहाँ किस कर, तो वो अपना नहीं मुझे नहीं करना, वो कभी हाथ पे किस कर लेता रहा, नहीं तो मेरे गाल पे किस कर, मेरे होठों पे किस कर। तो वहाँ पे आरती बोली ये होठों पे तो किस कैसे कर लेगी, ये है वो है। तो शहनाज भी एक टाइम जो उसके घर के अंदर थी वो बता रही मैं उसको डेली किस करती हूँ और वो भी होठों पे किस करती हूँ, तो उसने तरीका बताया होठों पे किस करने का, उसने अपने लिप्स पे लिपस्टिक लगाई और यूं करके सिद्धार्थ के लिप्स पे लगा दी, तो कहते देखे ऐसे किस कर लेते हैं होठों को। तो यहाँ पे आरती भी हंसी की ये कौन सा तरीका है आपको लिप लॉक करने का। और कल बीच में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि हल्का सा जो सिद्धार्थ का जो एक चेंज हुआ है अपना बिहेवियर की लड़ाई कम करके, कल रश्मि को भी बोलता हुआ मिला कि ऐसा ही तुम्हारी नजरों में बड़े देख के बड़े डायलॉग बोले हैं, ये है वो है, रश्मि कहती हाँ बस ये है वो है। तो कल रश्मि से भी वो और दूसरे मधुरिमा से तो मजे ले ही रहा है आजकल कि मधुरिमा ये है वो है तो मुझे अच्छी लगती हो, तो कल रश्मि से भी हल्का हल्का फ्लर्ट करता नजर आया। फिर वही सिद्ध शहनाज को समझाता हुआ दिखा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे हम जैसे बैठ के बातें कर लेते हैं, बड़ी देर बैठे रहते हैं, हम एक दूसरे बातें भी कर लेते हैं, बाहर जाएंगे तो मैं अपने काम में बिजी हो जाऊँगा, तू अपने काम में बिजी हो जाएगी, तो हो सकता है मैं देखो इतनी अटेंशन ना दे सकूँ, एक तरह उसको वो समझा रहा था। वहाँ से वो भी बोल रही थी हाँ ये तो बात ठीक है पर ये है कि जब मैं तुझे मिलने आया करूँ तुम उसे जरूर मिला कर, फ़ोन तो उठा लिया कर, फ़ोन पर बात कर लिया करेंगे, ये वो वो कहता भी मैं कई बार काम कर रहा था तो फ़ोन पर भी बात नहीं करता, तो हो सकता है हमारी जो इक्वेशन है जो बाहर जाके ये चेंज हो सकती हैं।
अब विशाल और मधुरिमा के बहस और लड़ाई ना हो तो भी हो ही नहीं सकता। कल वही था कि शहनाज बैटरियां दे रही थी उसको, विशाल ने उसको बैटरी नहीं, सबको बैटरी देके चलेगी। तो यहाँ पे मधुरिमा ने ही बोल दिया वो मुन्ना 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 है, मुन्ना लेकर मछुआ नहीं छोड़ दे, तो विशाल वहां भड़क गया। और यहाँ पर सिद्ध पता है आपको मजे ले रहा है आजकल, बस अब और कुछ नहीं होगा, अब और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ विशाल कह रहा है यार तू पीछे करना यार तू ये है, कह रहा वो विशाल कहता है यार मेरे पास तो ये क्या यही कदम, मेरे पास भी एक ही है यार। तो विशाल ने यार डायरेक्ट सुनाया शहनाज को और तेनू किन्नी तरीफा चाहिए तेनू गाना गा के। तो यहाँ पे बहुत अच्छी कॉमेडी विशाल कर रहा है आजकल, और सिद्धार्थ भी उसके साथ लगा हुआ था। फिर यही बात को विशाल ने खत्म नहीं हुई, बाहर बाड़े में जाकर रात को शुरू हो गया मधुरिमा और विशाल का, फिर लाई झगड़ा हल्का जिसे कहते हैं कि डेली का रूटीन है, वो फिर दोबारा वहां पर शुरू हो गया। बिग बॉस, अब बिग बॉस ने फिर अनाउंस कर दिया भाई नया टास्क दे दिया, कुरकुरे टास्क, इसमें टास्क में क्या है दो टीमें बना दी, आरती और शेफाली को इसके अंदर वो बना दिया जज को, और बाकी चार चार प्लेयर डिवाइड कर दिए। अब बिग बॉस ने कहा तुम दोनों ने एक एक ऐड बनानी है, ऐड के लिए तुम्हें टाइम दिया जाता है, इसके इन इन स्लोगन्स को लेकर तुम ऐड बनाओगे, और जो ऐड अच्छी होगी उसको ये दोनों जज करेंगे, और वो जो विनर होगा उसको अपना लग्जरी ब्रांड में 10 चीज़ें मिल जाएंगी लेने के लिए वहाँ से बास्केट में से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेन लीड रोल में थे वो शहनाज थी और दूसरी तरफ मायरा थी। अब इन दोनों को जो टीम में प्लेयर दिए गए, शहनाज की साइड थी था आसिम था, रश्मि थी और सिद्धार्थ शुक्ला था, और बाकी टीम उस दूसरी साइड पर थी। तो इन्होंने दोनों ने एक टास्क परफॉर्म किया वहाँ पर अच्छा किया, पर सिद्धार्थ का इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था, और अपना जो आसिम उसका था मायरा का था वो थोड़ा टास्क पारस का अच्छा था टास्क था। तो यहाँ पे वो उनकी टीम जीत गई, मायरा की टीम जीत गई। यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत बाहुबा के भाई ये जो टीम थी भाई ऐड के हिसाब से मैं ठीक कर रहा था, ये था वो था, वो थोड़ा रश्मि के साथ था क्योंकि रश्मि और सारे इकट्ठे कर रहे थे। तो वो आरती में नाराज भी हुआ, आरती तुमने भाई जज ठीक नहीं किया, ये नहीं किया भाई मेरे हिसाब से एडवर्टाइजिंग की ये होनी चाहिए, तुम वो गलत कर रहे थे ये थे वो थे। तो थोड़ा इन सब में बहसबाजी देखने को मिली बाद में। एंड में वही शहनाज और सिद्ध फिर बैठे हुए थे, शहनाज पहले ही बोल रही थी भी मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि हमारा टास्क इतना कोई वो बढ़िया नहीं है, हम कोई उसको नहीं कर रहे, कोई कॉमेडी भी नहीं होगी कुछ नहीं होगा। सिद्ध कहता ठीक है तुमको तो पारस ही अच्छा लगता है तो उसके जाके बैठ जाके फिर। तो सिद्ध थोड़ा इरिटेशन लग रहा था, और यहाँ पे बिग बॉस कल इन दोनों की बातें करते करते खत्म हो गया। तो दोस्तों ये था कल का एपिसोड, आज का एपिसोड दोस्तों, आज का दोस्तों एपिसोड पूरा बमबार्ड एपिसोड होगा। आज सबसे पहले घर वाले भी घर में आएंगे जो प्लेस के घर वाले हैं, और उससे पहले दोस्तों सबसे बड़ी बात मधुरिमा और विशाल की घमासान लड़ाई हो जाएगी, इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे पर पानी फेंकेंगे, उसका बिग बॉस मना करता रहेगा, पानी कैमरे के ऊपर फेंक दिया, माइक के ऊपर फेंक दिया, उसके बाद इतनी हालत बुरी हो जाएगी कि जो मधुरिमा है वो विशाल के बम पे जो कंटेनर लेके एक लेके फैन लेके इतना मारेगी कि फैन को तोड़ देगी। और बिग बॉस इन दोनों को बहुत बड़ी सजा देंगे मेरे ख्याल से, हो सकता है इनमें से किसी को घर से बाहर निकाल दे। और जैसे मैंने कहा कि घर वालों के इस पर फैमिली मेंबर्स अंदर आएंगे घर के अंदर, तो इसके अंदर आरती का भाई भी आएगा, आरती का भाई कृष्ण आएगा, वो उसको बताएगा तू बहुत अच्छा प्ले कर रही है, मुझे गर्व है तेरे पर, ये है वो है। और शहनाज के फादर आएंगे, शहनाज के फादर सीधा शहनाज को बोलेंगे भाई तुझे मेरी कसम है जो सिद्ध के साथ तू कर रही है ये यहीं पर रोक दे, बस इतना हो गया ठीक है। और दूसरा वो पारस को भी ताल लगाए जाएंगे कि पारस भैया ये जो बातें इनमें इस दोनों के अंदर जेलसी जेलसी बातें तूने ही क्रिएट करी हैं, तू ही शुरू में कह रहा था कि भाई शहनाज तूने टक्कर दी मायरा को, मायरा को बहुत अक्कड़ थी ये थी वो थी। और वहां पे शहनाज को भी बोलेंगे कि भाई तेरा अगर कोई घर के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन है वो पारस है। और बाकी दोस्तों पारस की तो वाट लगी रही है, फिर मायरा की मम्मी भी घर के अंदर आ जाएंगी, वो पारस को सीधा क्लियर बोल देंगी भाई दोस्ती ठीक है बट तो जो ये किस विस करता है ये टोटली बंद कर दे। तो यहाँ पारस का मुंह देखने लायक होगा। ओके दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायावरी कट। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल।